खलनायक के सीक्वल का ऐलान होने वाला है। माधुरी दीक्षित ने इस बारे में क्या कहा है, संजय दत्त नहीं तो पहले कौन बनने वाला था खलनायक का हीरो और खलनायक से जुड़ी वो तमाम बातें कौन सी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। दोस्तों, खलनायक ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन किया था सुभाष घई ने, जिन्होंने डायरेक्शन तो किया ही था साथ में प्रोडक्शन भी किया था। और इससे 2 साल पहले वो एक और सुपरहिट फिल्म दे चुके थे सौदागर। म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और कुल मिलाकर इसमें 9 गाने थे। और गानों की बात करें जो सुपरहिट गाने थे वो थे चोली के पीछे क्या है, पालकी में होके, सवार चली रे और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और ये गाना जो था नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ था और संजू बाबा की पहचान बन गया था। जहाँ भी संजय दत्त जाते ये गाना ज़रूर बजता। गानों की बात करें तो इतना सुपरहिट हुआ कि इसकी उस वक्त 1 करोड़ म्यूजिक कैसेट्स बिकी थी और हाईएस्ट सेलिंग ये बन गया था। उस साल बाजीगर भी रिलीज हुई थी और बाजीगर की भी इतनी ही म्यूजिक कैसेट सेल हुई थी, यानी कि ये दोनों का जो म्यूजिक था वो उस वक्त का हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक था। गाने चोली के पीछे की बात करें तो इसके लिए अलका याग्निक और ईला अरुण जी को फिल्म फेयर का प्लेबैक सिंगर का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और ये पहली बार हो रहा था जब 2 सिंगर एक साथ एक अवार्ड को ले रहे हो और शेयर कर रहे हो। साथ ही इस गाने की कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट कोरियोग्राफर का। चलिए बात कर लेते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 3 से 4 करोड़ रुपए और उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 21 करोड़ 50 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और ये उस वक्त दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। पहले नंबर पर आंखें थी, दूसरे नंबर पर थी यही फिल्म, तीसरे नंबर पर बाजीगर थी, चौथे नंबर पर तिरंगा, पाँचवें पर दामिनी और छठे पर थी डर, जिसमें शाहरुख खान नजर आए। और ये उस वक्त की सुपरहिट फिल्म तो थी ही, साथ में 7.2 की IMDb रेटिंग इस फिल्म को मिली थी। चलिए बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट नंबर 1 यही है दोस्तों कि चोली के पीछे जो गाना था इसके लिए बहुत ज़्यादा बवाल उस वक्त हुआ था और इसके जो गाना था और वल्गर लिरिक्स कहा जा रहा था इसके गानों के लिए और फिल्म से हटाने की बात भी कही गई थी। कोर्ट तक मामला चला गया था लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट को कहीं भी नहीं लगा कि इस फिल्म में वल्गर लिरिक्स हैं, इसीलिए फिर से गानों को फिर से फिल्म में डाल दिया गया। दोस्तों, शूटिंग जब इस फिल्म की हो रही थी उसी दौरान एक उस वक्त के सुपरहिट डायरेक्टर थे सावन, उन्होंने भी इस फिल्म की अपोजिट यानी खलनायका नाम की फिल्म बनाई थी। और इतना कंपटीशन हुआ था इन दोनों फिल्मों के लिए क्योंकि एक ही दिन ये रिलीज़ कर दी गई थी 6 अगस्त 1993 को। और इन दोनों फिल्मों में लेकिन बाद में हिट जो हुई वो खलनायक थी संजय दत्त की। दोस्तों, खलनायक से पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करने वाले थे देवा नाम की, लेकिन अमिताभ बच्चन ने किन्हीं कारणों से ये फिल्म नहीं की और कहा जाता है कि देवा में ही थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट चेंज की गई और उसके बाद ये फिल्म बना दी गई। और संजय दत्त को इसमें कास्ट किया गया और संजय के साथ सुभाष घई की दूसरी फिल्म थी विधाता, जिसमें दिलीप कुमार भी नज़र आए थे। दोस्तों, सुभाष घई इससे पहले संजय दत्त से पहले नाना पाटेकर को इस फिल्म में लेने वाले थे और क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें बड़ी उम्र का कोई हीरो रखा जाए, इसीलिए नाना पाटेकर को उन्होंने साइन कर दिया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो स्टोरी पर ज़्यादा काम करने लगे उन्हें लगा कि इसमें तो यूथ ही होना चाहिए जो मिसगाइडेड हो, भटका हुआ हो, इसीलिए नाना पाटेकर को इससे आउट कर दिया गया और फिर संजय दत्त को रखा गया क्योंकि वो कम उम्र के उस वक्त थे। लेकिन नाना पाटेकर को बहुत ज़्यादा उस वक्त गुस्सा आ गया था और सुभाष घई और नाना पाटेकर के बीच बहुत ज़्यादा कहा सुनी भी हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान नाना पाटेकर ने ये तक कह दिया था कि सुभाष घई ने मुझसे कहा कि ये फिल्म फ्री में कर लो। तो ये कहानी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा उस वक्त हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, उसके बाद सुभाष का एक और फिल्म उन्होंने बनाई थी हीरो और उसमें जैकी श्रॉफ को लिया था, लेकिन जैकी से पहले वो संजय दत्त को ही इस फिल्म में लेने वाले थे। इसके अलावा जो खलनायक में जैकी श्रॉफ का किरदार था पहले
पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर खान संजू बाबा का रोल करने वाले थे, लेकिन सुभाष घई चाहते थे कि बल्लू का रोल तो संजय दत्त ही करेंगे, और आमिर खान हमेशा से परफेक्ट वाले रोल चूज करते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आमिर खान को फिर फिल्म से आउट कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों माधुरी दीक्षित एक बार में जो संजू के गैंग मेंबर्स हैं उनके साथ अंताक्षरी खेलती हुई नजर आती है, और चांदनी के गाने में जिसमें श्रीदेवी नजर आई थी उस पर गाना गाते और डांस करते नजर आती है, लेकिन उस वक्त श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के बीच बहुत ज्यादा अनबन थी। और जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट कर लिया गया था उसके बाद ही संजय दत्त को जेल हो गई थी। 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट केस आपको याद होगा, संजय दत्त अंदर चले गए थे, लेकिन डबिंग का काम बाकी था इस फिल्म का, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर आना पड़ता था और टाइम टाइम पर सारे काम निपटाने पड़ते थे, और उस वक्त संजय दत्त को लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर थे जेल के और बहुत सारे आरोप थे, देशद्रोह जैसा आरोप उस वक्त उन पर लग रहा था। सुभाष घई भी इसको लेकर चिंता में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म के पूरे 11 प्रीमियर रखे और राकेश रोशन और शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर्स को भी बुलाया था फिल्म के प्रीमियर पर। साथ ही संजय दत्त को भी बेल पर वापस बुलाया गया था, और जब संजय दत्त वहाँ पहुँचे पूरे 11 प्रीमियर में वो मौजूद थे, और जैसे ही संजय दत्त वहाँ पहुँचे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, चेयर करने लगे लोग। इससे सुभाष घई को ये यकीन तो हो गया कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। उसके बाद सुभाष घई रिलीज से पहले बहुत सारी दिक्कतों में थे, जैसे कि संजय दत्त का जेल होना, उसके अलावा सावन कुमार की खलनायिका भी उसी दिन रिलीज हो रही थी तो कंपटीशन ज़्यादा था, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चोली के पीछे गाने से, क्योंकि इस पर बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे थे और एक वकील ने केस फाइल किया था, उसने कहा था कि 4 साल का उसका बेटा है वो इस गाने को सुन रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे ही बच्चों के दिमाग में गलत असर पड़ेगा, इसके चलते केस फाइल किया गया था। इसके अलावा सुभाष घई को इस गाने के चक्कर में उस वक्त की 32 पॉलिटिकल पार्टी से अकेले लड़ना पड़ा, जो कि सुभाष घई अक्सर बताया करते थे। लेकिन इस बीच बाला साहब ठाकरे सामने आए और सुभाष घई की उन्होंने मदद की, फिल्म को देखा, उसकी तारीफें भी कई करी, और उन्होंने कहा कि इसमें वल्गर जैसी कोई भी चीज़ें नहीं है, फिल्म बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे करके फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट रही, और सारी जो चिंताएं थी वो ख़त्म हो गई। और अब माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म के सीक्वल के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि हाल ही में खबरें आई हैं, और जब माधुरी दीक्षित से पूछा गया कि खलनायक 2 बनने वाली है तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर फिल्म बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित इस फिल्म के लिए है, और इस फिल्म से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो दोस्तों आप क्या खलनायक 2 के लिए एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, फिल्मों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, किस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।